CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ठुमरी, जो राग भैरवी पर आधारित है। ठुमरी भारतीय संगीत की एक शैली है। इसके अनेक अंग और उप अंग हैं। यह उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इसे उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत रखा जाता है। ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होती है, किंतु भक्ति आदि भावों पर आधारित बंदिश भी ठुमरी शैली में गाई जाती है। ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे खमाज, पीलू, भैरवी, काफी, गौड़ सारंग और देस इत्यादि। ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई अर्थात कम मात्रा वाली तालों में गाई जाती है, जिनमें कहरवा, रूपक और अद्धा तीन ताल प्रमुख हैं। इसके अलावा दीपचंदी और जत ताल का भी ठुमरी में काफी प्रचलन है। राग की ही तरह इस विधा में एक ताल से दूसरी ताल में जाने की छूट भी होती है। तो अब प्रस्तुत है ठुमरी, जो राग भैरवी पर आधारित है और दीपचंदी ताल में है। दीपचंदी ताल क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल दीपचंदी अथवा चाचर। इस ताल में 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। ताली 1, 4 और 11वीं मात्रा पर, खाली 8वीं मात्रा पर होती है। इसके बोल इस प्रकार हैं, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। लीजिए अब आप ताल दीपचंदी का ठेका तबले पर सुनिए। ताल दीपचंदी। राग भैरवी पर आधारित ठुमरी सुनने से पहले आइए राग भैरवी को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग भैरवी भैरवी थाट का राग है। इसमें रे, गा, धा और नी कोमल लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी स्वर मा और संवादी स्वर सा है। राग भैरवी का गायन समय प्रातःकाल है। राग भैरवी का आरोह इस प्रकार है। राग भैरवी का अवरोह इस प्रकार है। सा नी द प म ग रे सा नी द प म ग रे सा।
अब प्रस्तुत है राग भैरवी की पकड़। नी सा ग म द प म ग म रे सा आइए अब सुनते हैं राग भैरवी पर आधारित ठुमरी। ठुमरी की बंदिश के बोल हैं, फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। फूल गेंदवा लगत करजवा में चोट, लगत करजवा में चोट, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा। तारे बलम दर दिया न जाने, कारे बलम दर दिया न जाने, कारे बलम दर दिया न जाने, पलकिया की ओट, लेत पलकिया की ओट, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा। गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा न मारो, लगत करजवा में चोट, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा। फुल गेंदवा न मारो। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा
किंतु शैली ठुमरी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि यही बंदिश उसी राग में परंतु किसी और स्वरूप में गाई जाए तो वह ठुमरी नहीं रहेगी, यद्यपि राग अक्षुण्ण रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं राग भैरवी में बंदिश परिवर्तित रूप में। फुल गेंदवा न मारो, 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 लगत कर जवा में चोट, लगत कर जवा में चोट, फुल गेंदवा न मारो, फुल गेंदवा न मारो, तारे बलम कर दिया न जाने, 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 लेत पलकिया की ओट, लेत पलकिया की ओट, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा न मारो, जैसा कि आपने सुना कि राग भैरवी ही रहा किंतु शैली ठुमरी नहीं रही। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। अब प्रस्तुत है राग भैरवी पर आधारित धुन पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में। Thank you.
भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में आइए एक बार फिर से सुनते हैं ठुमरी शैली राग भैरवी में। बोल हैं फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा न मारो, लगत करजवा में चोट, लगत करजवा में चोट, फूल गेंदवा न मारो, फूल गेंदवा न संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग भैरवी पर आधारित ठुमरी। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंक्रियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग शानू मुक्सीम और अमित कुमार, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।